राशन राशन आपको मिला? 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, आपको मिला? मिल रहा है, मिल रहा है। झूठ बोलना भी कितना अच्छा बोल लेते हैं आप लोग, मतलब कितना अच्छा झूठ बोल रहे हैं, सफाई से झूठ बोलते हैं, एकदम करारा झूठ बोलते हैं। और तो मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। झूठ सुनने की तुम्हारे को आदत हो चुकी है, थोड़ा शर्म करो, मोदी मीडिया को भी थोड़ा शर्म करना चाहिए, सच दिखाना। मीडिया दिखा रहा है दुनिया में मोदी का डंका, मोदी 2014 से मोदी मोदी 2014 से पहले लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच दिखा रहा है, आप लोग भी जानते हैं। अब 2014 के बाद लोग सच बोलते हैं, मीडिया झूठ दिखा रहा है। चाय वाला प्रधानमंत्री सरकार दे रही है, हमको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए नहीं, हमको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, और आपने बोला गरीबों की सरकार है, तो ये थोड़ी सी गरीबों की सरकार है, और दिल से भी थोड़ी सी गरीब। बहुत सारी बातें हैं, अब मोदी मेरे को थोड़ा अजीब लगता है जब अपने प्रधानमंत्री के बारे में इतना बोलना, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री वाले काम भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बोलना भी। अयोध्या बन गया, मथुरा और काशी की बारी है, देखिए अब आने वाले वक्त, अभी तो 100 स्मार्ट सिटी लग रहे हैं, हमारे को वही बड़ी बात है, 100 स्मार्ट सिटी नहीं, अभी कार्यकर्ता घर पे आएंगे, हमारे चाटुकार आएंगे, अनुभक्त आएंगे, और सिटी होती है ना मिसल, उसमें लिख देंगे स्मार्ट है, स्मार्ट करके उसको पता क्या करेंगे, नो भैया 100 नहीं, हम 200 स्मार्ट सिटी दे रहे हैं आपको, सिटी रखेंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में देश सुरक्षित है, अगर मोदी जी हारे तो चाइना कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान देश में घुस जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं, ये सारी फालतू बातें हैं जो अनुभक्त करते हैं, ऐसी कुछ मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं। क्यों, कहां पाकिस्तान घुस जाएगा भैया, आप लोग तो कहते हैं कभी थर थर कांपता है, कभी कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान अपने आप अपनी मर्जी से हिंदुस्तान से अलग हुआ था, ये मोदी जी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान डरा हुआ है, देश में आज माहौल अच्छा है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी बातें नहीं मानती हूँ, नेहरू जी के टाइम पे भी या इंदिरा जी के टाइम पे भी, इनसे पहले भी बीजेपी के थे, तब भी पाकिस्तान अलग ही था, वो अपनी मर्जी। अमित शाह जी ने कल ही कहा कि एक भी इंच जमीन कोई ले नहीं सकता है दुनिया में, चाइना तो हमारे 1 किलोमीटर तक जमीन पे कब्जा कर चुका है, 1 इंच अभी और भी करनी है क्या? नहीं, कल ही गृह मंत्री जी का बयान आया कि किसी की ताकत नहीं जो भारत की 1 इंच जमीन भी ले सके। ताकत तो भैया चाइना दिखा रहा है अपनी, 1 किलोमीटर से ज्यादा जमीन ले चुका है हमारी, है ना, सिक्किम एरिया से बिल्कुल ले चुका है। अब आप अमित शाह जी, आपका जोश कहाँ चला गया, वो 1 इंच 1 इंच वाला, अब दिखाइए वो अपना जोश, अब कहाँ चला गया, सरकार मांग कहाँ रही है, वो तो कह रही है अमित शाह जी कल भी यही बात कह रहे हैं जो कि कोई नहीं लिया जमीन, किसी ने नहीं लिया। अरे अपनी देख रहे हैं विपक्ष पर थोड़ा वो करना पड़ता है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो थोड़ा कर रहे हैं, वरना इसलिए दिए हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा जमीन हमारी कब्जे में। संदीप ने कहा जा रहा है कि मोदी जी के राज में लोग इतने खुशहाल है, इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान में आटे के लिए मार हो रहा है, यहाँ तो लोगों को 5-5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है। देखिए वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है, और 5-5 किलो रोजगार आपको मिला, राशन 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 आपको मिला, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, आपको मिला? मिल रहा है, मिल रहा है, सबको मिल रहा है। झूठ बोलना भी कितना अच्छा बोल लेते हैं आप लोग, मतलब इतना अच्छा झूठ मिल रहा है, सफाई से झूठ बोलते हैं, एकदम करारा झूठ बोलते हैं, और कुछ मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। झूठ सुनने की तुम्हारे को आदत हो चुकी है भैया, सरकार का रिकॉर्ड 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में, गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है, राशन दे रही है, सरकार दे रही है, चाय वाला प्रधानमंत्री सरकार दे रही है, हमको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए नहीं, हमको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, और आपने बोला गरीबों की सरकार है, भैया थोड़ी सी गरीबों की सरकार है, और दिल से भी थोड़ी सी गरीब। क्या लगता नहीं है गरीबों की सरकार? बिल्कुल गरीबों की सरकार नहीं है, और अभी आम आदमी पार्टी गरीबों की सरकार नहीं है, बाकी बीजेपी तो दिल से भी गरीब है, और थोड़ी वैसे भी गरीब, पैसों से तो गरीब है ही नहीं, वो तो दिख रहा है कितने भ्रष्टाचारियों को एक कर, सारे भ्रष्टाचारी पार्टी में, उनके सारे भ्रष्टाचारी पार्टी में, कोई कांग्रेस का होगा उनकी पार्टी चल कर लेगा भ्रष्टाचार, है भ्रष्टाचारी, फिर भी तृणमूल कांग्रेस का कर लेगा भ्रष्टाचारी, अगर अभी भी कोई आम आदमी पार्टी में भी होता भ्रष्टाचारी है नहीं, अगर होता बीजेपी में ज्वाइन कर लेता उसका भी भ्रष्टाचार। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, मुझे हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मैं अपेक्षा नहीं। अच्छा कहा जा रहा है कि हिंदू सशक्त हुआ, मजबूत हुआ मोदी जी के राज में, हिंदू राज बनना चाहिए, हिंदू राज बनना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, अब मोदी मेरे को थोड़ा अजीब लगता है जब अपने प्रधानमंत्री के बारे में इतना बोलना, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री वाले काम भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बोलना भी पड़ता है। क्या नहीं कर रहे, जैसे एक भी काम अच्छा नहीं लगा आपको? आप मेरे को गिनवाइए, मैं आपको बहुत देर से बोल रही हूँ, आप कोई 4 लोग हैं, बेटी पढ़ाओ कितनी बड़ी बात है, किसी प्रधानमंत्री, एक और बात कही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बोला था, गलती से निकल गया अल्फाज निकल गया गलती से, है ना, गलती से, अगर यही बात राहुल गांधी बोलते हैं तो पप्पू बोले, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मोदी जी बोले, तब क्या है भैया जुबान गलती से लड़खड़ा के निकल गई,
भैया थोड़ा शर्म करो, मोदी मीडिया को भी थोड़ा शर्म करना चाहिए, सच दिखा। मीडिया दिखा रहा है दुनिया में मोदी का डंका, मोदी 2014 से मोदी मोदी 2014 से पहले लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच दिखाता था, आप लोग भी जानते हैं। अब 2014 के बाद लोग सच बोलते हैं, मीडिया झूठ दिखाता है, और ये सच बात है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। तमाम सर्वे कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं 2024 में, फिर आ रहे हैं। देखिए बीजेपी पार्टी की बात अलग है, आप बीजेपी को मोदी कहेंगे तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ मोदी जी की नहीं है, वो अटल जी की भी, अडवाणी जी की। और जो राम मंदिर कहते हैं, मैं उनको कह दूं लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। लाल कृष्ण जी, अडवाणी जी और अटल जी गए थे रैली निकाली थी, जब मोदी जी बाइक पकड़ाने का काम करते थे, अभी भी फोटो है, मैं आपको भिजवा सकती हूँ, है ना। तो वो काम है लाल कृष्ण ने किया काम, घर घर गूंजा जय श्री राम, उनकी वजह से राम मंदिर बना है। और सिर्फ ये मोदी जी की वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कार्यवाही की वजह से, सुप्रीम बात की वजह से। जब मेरे को याद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी रहते थे, उनकी कलम से ये लिखा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। रंजन गोगोई, रंजन गोगोई सबको याद है, आपको भी याद होगा, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई उसमें दीपक मिश्रा जी उनके हेड थे, मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है। उन्होंने बोला था, और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बोला था भाई जी, उन्होंने मस्जिद भी बोला था, मुझे अच्छे से याद है, मस्जिद का नाम तो अच्छा। अभी तो राम मंदिर बनाया, कहा जा रहा है कि अयोध्या बन गया, मथुरा और काशी की बारी है। देखिए आप आने वाले वक्त, अभी तो 100 स्मार्ट सिटी देते हैं हमारे को, वही बड़ी बात है, 100 स्मार्ट सिटी नहीं, अभी कार्यकर्ता घर पे आएंगे हमारे, चाटुकार आएंगे, अनभक्त आएंगे, और सिटी होती है ना विसल, उस पर लिख देंगे स्मार्ट है, स्मार्ट करके उसको पता क्या करेंगे, लो भैया 100 नहीं हम 200 स्मार्ट सिटी दे रहे हैं आपको, सिटी रख लीजिए। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, जैसे घर घर शौचालय हो गया, गैस सिलेंडर बांटा है, और घर 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 भी बांटे गए हैं, तो ये भी तो उपलब्धि है ना सरकार की। सिलेंडर वो सब शौचालय सब, हाँ, ये सब उपलब्धि तो है, ये तो आपको काम करना है ना देश में, हाँ। सरकार में आए तो आप काम तो करोगे, तो आप मानती है ना काम किया मोदी जी ने, काम कर रहे हैं, इन्हें काम नहीं कहते हैं, फर्ज कहते हैं। अच्छा, जिनका फर्ज था, अच्छा, काम तो अभी दिख ही नहीं रहे, बड़े बड़े काम होते हैं तो, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया है, शिक्षा मुफ्त है, अच्छे स्कूल है, एथलेटिक्स ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, काफी सारी चीजें, आप जाइए दिल्ली के अस्पताल स्कूल। अब 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा समय लगेगा ना बनाने, मोदी जी एकदम से थोड़ी ना बना दे। अब आप कांग्रेस में दावा उठा रहे हैं, मैं कहती हूँ हमेशा, मैं चाहे आप ही के बाइट में नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि गांधी वो है जो तिरंगे को चौथा रंग देने की हिम्मत करते हैं, गांधी लोग वो है जिनमें हिम्मत है कि तिरंगे को चौथा रंग दे सके। अब मैं हमेशा गांधी के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ हूँ, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। एक बार एक अंग्रेजों के खिलाफ एक गांधी उभर के आया था, उस पर भी गोडसे का वार हुआ, फिर उसके तप्ती चिता को देखकर फिर एक गांधी अवतार हुआ, दुश्मन दल पर दुर्गा बन, जब इंदिरा ललकारी थी मेरे लहू का, नहीं दुश्मन दल पर दुर्गा बन, जब इंदिरा ललकारी थी राज विरोधियों की टोली तब थर थर कांपी थी, मेरे लहू का कतरा कतरा आएगा देश के काम, कहकर इंदिरा ने सहली सीने पर गोली तमाम। उसके बाद फिर माँ को कांधा दे, फिर एक गांधी समर में कूदा था, है ना, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो भी आगे बढ़ा था, उन पर भी सारी फाइल वगैरह हुई थी, है ना, सब याद है, बम अटैक हो गया था। अब नए गांधी को कंधा दे, पिता को चिता पे अग्नि लगा, फिर एक गांधी अवतार हुआ है, फिर एक गांधी अवतार हुआ है, अब नए जमाने का गांधी बनके फिर वो भी मशहूर हुआ है ना, सब जानते हैं राहुल गांधी को, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी हस्ती है, जिनकी दादी भी गांधी, जिनके पिता भी गांधी, प्रधानमंत्री रह चुके हो, और अब जब सामना नहीं कर पाते हैं बीजेपी पार्टी वाले तो सदन से ही हटवाते हैं। ये कह रहे कि ये तो पप्पू है, ये इटालियन मुल्का है, यहाँ का नहीं है, हिंदू भी नहीं है। देखिए वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, और अगर ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से अगर कोई पढ़ा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं।